बार महिलाओं के साथ एक कन्फ्यूज़न ये रहती है, चाहे आने वाला त्यौहार ही क्यों ना हो, कुछ फंक्शन ही क्यों ना हो, या फिर घर में कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य हो रहे हों, कहीं आपको जाना हो, कहीं आना हो, तो औरतों को क्या करती हैं कि वो सोचती हैं कि कुछ दवाइयाँ लेके अपने पीरियड्स को डिले कर दूँ या फिर पहले ही पहले ला के उसको निपटा दूँ। तो आप अपने पीरियड को जल्दी कैसे ला सकते हैं, उसके कुछ घरेलू उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताने वाली हूँ ये कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको कब इसे परफॉर्म करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपकी पीरियड साइकिल कितनी लेंथ की चलती है। अगर आपको पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई परेशानी कभी भी नहीं रही है, और कई बार क्या होता है कि 6 महीने साल भर में कभी एक महीना ऐसा भी होता है कि जब पीरियड आपका चढ़ के आता है, यानी कि मतलब 5-6 दिन ऊपर गए हैं, तो ऐसे केस में भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, वो सोचती हैं कि जल्दी से जल्दी पीरियड्स लाया जाए। और पीरियड्स लाने का जो दो सूरतों में देखी जाती है, कई बार क्या होता है कि पीरियड्स अगर डिले हो गया तो वो चाहती हैं कि जल्दी पीरियड आए, कई बार क्या होता है कि उनकी प्रेगनेंसी होती है और वो प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करने के लिए पीरियड लाना चाहती हैं। इन दो सूरतों में वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर सर्च करती हैं, वो सोचती हैं कि ऐसा कोई नुस्खा उनको मिल जाए जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं और आपको कोई एलिमेंट है, काफ़ी पुरानी अगर आपको एलिमेंट चलती आ रही है, तो ऐसे केस में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बस नॉर्मल साइकिल है और सिर्फ 2-4 दिन ऊपर नीचे हुआ है, तो आप कुछ घरेलू उपाय करके भी अपने पीरियड्स को जल्दी ला सकते हैं। सबसे पहले चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, महिलाएं इस बात को अच्छी तरह से अवेयर हैं कि जो कच्चा पपीता होता है या पाइनएप्पल होते हैं, उसमें कुछ ऐसे कंपोजिशन होते हैं जो कि आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए मददगार होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका पीरियड का दिन चढ़ के आया है, अगर आपके अंदर जो यूट्राइन, जो आपका लाइनिंग है, वो मोटी बनना शुरू हुई है, तो कई बार क्या होता है कि कच्चे पपीते खाने से और पाइनएप्पल का सेवन करने से वो लाइनिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है और धीरे धीरे करके वो टूटना शुरू होती है और आपका ब्लड आ जाता है और आपकी जो भी समस्या है पीरियड डिले होने की, वो रिमूव हो जाती है। और सेकंड बहुत बड़ा उपाय तब देखा जाता है कि महिलाएं अगर नियमित रूप से सुबह सुबह खाली पेट अदरक के पानी का सेवन करती हैं, जैसे कि अदरक को अच्छी तरह से 1 इंच अदरक का टुकड़ा आपको लेना है, अच्छी तरह से ग्रेट करके 1 ग्लास पानी में अच्छी तरह से उबाल के उसको चाय के जैसा सिप सिप करके पीना है, और साथ ही साथ अगर जीरे का पानी पीती हैं या अजवाइन का पानी पीती हैं, जो कि काफ़ी हीटेड माना जाता है, आपकी बॉडी की तासीर को तुरंत से गर्मी प्रदान करता है, तो वैसे जो कंपोजिशन होते हैं आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाते हैं और उससे आपका पीरियड जल्दी आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने महिलाओं को पता नहीं रहता है कि उनकी प्रेगनेंसी है ये, तो प्रेगनेंसी आपको सबसे पहले चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप टेस्ट किट को लीजिए और टेस्ट करिए, अगर डबल लाइन आती है और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के संपर्क करें कि किस तरह से इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास कुछ ऐसे हार्मोन की जो गोलियां होती हैं जिसके वजह से भी वो आसानी से पीरियड्स को ला सकती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके हार्मोन में अगर डिस्टर्बेंस होता है, तो आपकी पीरियड साइकिल फिर से आप मतलब रेगुलर हो सकती है, क्योंकि हार्मोन के वजह से ही आपकी प्रेगनेंसी भी रुकती है, आपका पीरियड भी आता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आप उनसे खुल के सारी बातें करिए और वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का एक बेहतर उपाय आपके सामने बताएंगी और उससे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी गोलियां जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है, किसी ने कही, किसी ने सुनी, और आप इसका अगर रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में परेशानी क्रिएट कर सकती है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं को PCOD की समस्या हो रही है, कई बार उनके पीरियड साइकिल तो इतने डल होते हैं, मतलब आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी 2 महीने पर आते हैं, कभी 1 महीने पर आते हैं, कभी आते हैं तो जल्दी जाते नहीं हैं, या कभी पीरियड आता है तो बिल्कुल हल्का ब्लड आता है। तो ये बहुत सारी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके हार्मोन के बिगड़ने की वजह से होती हैं। तो आप ये देखिए कि कहीं लॉन्ग टर्म पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और 6 महीने साल भर पर कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो उसको आप जैसे पपीते से या फिर दवाइयों की मदद से आप पीरियड को जल्दी ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पे ये प्रॉब्लम है, PCOD की समस्या हो सकती है। देखिए PCOD के कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है,
या कई बार उनके जो फेशियल हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है कि चलो मैं पार्लर जाऊंगी, सारे मेरे अनवांटेड हेयर निकल जाएंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल टेम्प्ररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसको अच्छी तरह से उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि कहीं कोई PCOD वगैरह कुछ ऐसे सिस्ट तो नहीं बन रही है जो कि आपके शरीर में लॉन्ग टर्म में परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है और ऐसे केस में वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताएंगे, आपको कुछ टेस्ट लिखेंगे, क्योंकि कई बार अगर प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है या LH या FSH में कुछ गड़बड़ी है उसकी वजह से भी आपके पीरियड कई बार क्या होता है खुल के नहीं आते हैं, उनके पीरियड की जो साइकिल है लेंथ कंप्लीट नहीं होती है, कई बार जल्दी कई बार लेट इस तरह से आने लगती है। तो ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर से मिलिए। लेकिन अगर आपको जल्दीबाजी करनी है, अगर आपको लगता है कि पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, तो आप इन सारी चीज़ों का उपाय करिए। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, क्योंकि जब भी अगर पीरियड साइकिल कभी भी अगर गड़बड़ हुई है, जैसे मान लीजिए 2-3 दिन भी अगर आपको गड़बड़ चल रही है, तो भी आप अपने पीरियड का जो डेट है उस दिन से लेके अदरक का पानी, अजवाइन का पानी नियमित रूप पे आपको टाइम टू टाइम पीना शुरू कर देना है। उससे आप देखिएगा कि जल्दी से जल्दी और मे बी सेम डे आपको पीरियड आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप ज़रूर करके देखिएगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।